उन अस्पताल में दिसंबर के आखिरी दो दिन 9 बच्चों की मौत के बाद मरने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 104 हो गई। सरकार बच्चों की मौत पर पूरी तरीके से संवेदनशील है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जेके लोन अस्पताल में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिसंबर 2019 के आखिरी दो दिनों में 9 और बच्चों की मौत से अस्पताल में मरने वालों की संख्या 100 पहुंच गई है। नए साल के स्वागत का जश्न मना रहे थे तो कोटा के इस अस्पताल में कई माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, तो दूसरी तरफ जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सियासत करने वालों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की मौत पर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की मौत पर बेहद संजीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ दल का वो स्वागत करते हैं। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि बच्चों की मौत को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर कोटा में बच्चों की मौत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जहां पर कमियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है और उनको मैंने ये निवेदन किया है कि इस विषय के ऊपर पूरी आप गहराई के साथ ध्यान भी दें। हमारी तरफ से देखिए जो भी सपोर्ट हो सकता है वो हम देंगे। थोड़ा सा जागरूक उनको होना पड़ेगा। समय पे अगर आप चिकित्सालय लेके आएंगे तो बच्चे की जान बचाने का प्रयास हमारा विभाग करेगा, डॉक्टर करेंगे, ये उन पर भरोसा होना चाहिए और बचा भी रहे हैं। जब 18 लाख बच्चों में से 17 लाख बच्चों को हम बचा रहे हैं वो कोई चर्चा नहीं है। अब आप वहाँ भय का वातावरण पैदा कर दो, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाए, डॉक्टर्स और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, मान लो तो चिकित्सा व्यवस्था ज्यादा चरमराएगी कि नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के अस्पताल का दौरा किया और इसके बाद जी मीडिया से उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत होना बेहद दुखद है। मैंने इस संबंध में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव से भी चर्चा की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार से जो भी विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होगी, टेक्निकल रूप से आवश्यकता होगी, और जो भारत सरकार के नॉर्म्स के तहत जो गैप होगा उसके लिए जो भी राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी हम इसको प्राथमिकता से पूरा करेंगे। कोटा में बच्चों की मौत पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सरकार इस पर पहले ही एक्शन ले चुकी है और 28 तारीख को इससे आलाकमान को अवगत करवा दिया गया था। राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक कर इस विषय पर रिपोर्ट बुलवाई और उस पर जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी हुई और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम भी उठाया गया है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार बच्चों की मौत पर संवेदनशील है और लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्चों को सही इलाज मुहैया कराया जाए, साथ ही अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।